नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। मौसम विभाग राजस्थान के अनुसार आज और कल राजस्थान के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जिला जज रैंक के 10 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिदेशक राजीव भारती ने इस आशय की अधिसूचना जारी की। इसके तहत हमीरपुर जिला के जज अनुपम गोयल को मुजफ्फरनगर परिवार न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश बनाया गया है, जबकि मुजफ्फरनगर के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सत्यानंद उपाध्याय को मेरठ कमर्शियल कोर्ट का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया। देश की राजधानी दिल्ली में शिक्षक दिवस के मौके पर कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों कैमूर जिले के रामगढ़ आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य अनिल सिंह को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जहां पूरे इलाके में खुशियां मनाई गई। दिल्ली में नहीं बढ़ेंगे जमीन के दाम, केजरीवाल सरकार के फैसले पर एलजी वीके सक्सेना ने लगाई रोक, वापस भेजी फाइल। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के साथ राज्य में गठबंधन के खिलाफ खुलकर मैदान में आ चुके हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावंडिंग द्वारा मंगलवार को विधायकों और पार्टी प्रत्याशी रहे नेताओं की बैठक बुलाई गई। वहीं बैठक में प्रगट सिंह, भारत भूषण आसू, सुखपाल खहरा, अरुणा चौधरी सहित कई नेता शामिल हुए और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वे लोग पार्टी छोड़ देंगे। हरियाणा के हिसार दिल्ली हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ, जहां टायर फटने से पलटी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी, एक युवक की गई जान, 22 लोग हुए घायल। शिक्षक दिवस के मौके पर झारखंड के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें मोहम्मद एजाजुल हक और मनोरंजन पाठक के नाम शामिल हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जहां बीजेपी 12 और 16 सितंबर को प्रदेश के 2 स्थानों पर दंतेवाड़ा और जसपुर नगर से परिवर्तन यात्रा निकालेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज 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 लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन से पहले 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज इंडोनेशिया के जकार्ता जा रहे हैं, जहां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आज और 7 सितंबर को जकार्ता में आयोजित होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान के वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर जकार्ता की यात्रा कर रहे हैं। आज और कल दोनों ही दिन देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। बता दें कि आज रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है, वहीं वैष्णव संप्रदाय में श्री कृष्ण की पूजा का अलग विधान है, इसलिए वैष्णव संप्रदाय में 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शंखनाद कर दिया है। इस बीच कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, उमंग संचार करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज भिलवाड़ा आएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो राज्य की 42 सीटों से गुजरेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में सत्ता सिंहासन बरकरार रखने के लिए बीजेपी जनता का आशीर्वाद लेने के लिए इस यात्रा का आयोजन कर रही है। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के चुनाव समिति की बैठक चल रही है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया है। राजस्थान में आज मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुभारंभ किया जाएगा, जिसके तहत प्रति परिवार को 2 दुधारू पशुओं का प्रति पशु 40,000 रुपए का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जहां विपक्ष ने अतिक्रमण, आपदा, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था समेत तमाम कई तरह के मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है। वहीं सत्र के पहले दिन धामी सरकार राज्य का अनुपूरक बजट पेश करेगी। गुजरात के तापी जिले की एक निर्माणाधीन फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिससे 2 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आजकल राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कहा कि पहले देश में सरकारी कार्यालयों में दलाल सक्रिय थे, अब भ्रष्टाचार कम हुआ है, भ्रष्टाचारी भाग रहे हैं, कोई जमानत पर है तो कोई न्यायालय में है, अब भ्रष्टाचारियों के पास एक ही रास्ता है, कानून का सामना करे। उन्होंने कहा कि जब किसी को नोटिस मिलता है तो वह सड़क पर क्यों जाता है, न्यायालय में क्यों नहीं आता, यह सब इतना कुछ अच्छा हो रहा है तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि कुछ लोगों को परेशानी क्यों हो जाते हैं। महोबा जनपद में भारतीय कलाकार संघ द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में पेंटर, दीवाल, चित्रकला और लेखन कला को भी शामिल किए जाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के नाम से जिलाधिकारी महोबा को ज्ञापन सौंपा गया। आनंद बाल विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वरूपगंज में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया, जहां स्कूलों में शिक्षकों का सम्मान कर विद्यार्थियों ने उन्हें नमन किया और विद्यार्थियों ने इस दिन शिक्षक की भूमिका निभाई। डॉक्टर योगेश दुबे भारतीय विकास संस्थान के सदस्य, हिंदी सलाहकार समिति, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने हिंदी पखवाड़ा कार्यशाला के लिए नामरूप की उल्लेखनीय यात्रा की। इस अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश को पावर हब बनाने की दिशा में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा कदम उठाया, जिसके तहत खंडवा जिले में सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाया जा रहा है, जो करीब 600 मेगावाट बिजली बनाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा तैरता पावर प्लांट होगा। कुल्लू वासियों के लिए खुशखबरी आई है, जहां आज से शुरू होगा लंबे रूट की 10 बसों का संचालन, HRTC ने जारी किया आदेश। दक्षिण कश्मीर के सोफिया में जुलाई 2020 में एक फर्जी मुठभेड़ में मारे गए जिला रजौरी के 3 नागरिकों के परिजनों और उधमपुर में आतंकी हमले में मारे गए एक नागरिक की पत्नी को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र भेंट किया। इसी तरह से कई और मामलों में भी पीड़ितों को उपराज्यपाल ने सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भेंट किए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले सप्ताह विदेश के दौरे पर जाने वाली हैं। इससे पहले उन्होंने मंत्रियों के विभागों में भारी फेरबदल की संकेत दी है। इसे लेकर प्रशासनिक हलकों में अटकलें तेज है। इससे पहले पिछले साल 3 अगस्त को मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार किया था। मानसिक बीमारी से पीड़ित 41 वर्षीय एक महिला ने कथित तौर पर पिछले 2 महीने में मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में बम के बारे में 38 फर्जी कॉल की। हां, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच से पता चला कि महिला ने पिछले 2 महीने में नियंत्रण कक्ष में 100 नंबर आपातकाल पुलिस हेल्पलाइन पर कम से कम 38 कॉल की थी। अधिकारी ने कहा कि महिला मालावार हिल पुलिस स्टेशन के आधिकारिक क्षेत्र में अपने 88 वर्षीय चाचा के साथ रहती है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि आपके जानने वाले भी न्यूज से अपडेट रह सकें। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।